गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपसे रिलेटेड होगी, आप ही की रीडिंग होगी। ये लव रीडिंग नहीं होगी, ये रीडिंग आपकी लाइफ से रिलेटेड होगी। ये रीडिंग पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, और इट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर एज वेल। बट फ्यूचर की प्रेडिक्शन में मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करती हूँ, और ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ है कि जो है जो कुछ भी हमारी लाइफ में आगे होने वाला होता है, वो इंसान जो है वो किसी भी सूरत में उसको एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हाँ, टैरो के थ्रू जो है या कार्ड्स के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। रीडिंग आज ये है कि आपकी लाइफ के हाई मोमेंट्स और लो मोमेंट्स कौन से रहे। अब जो लोग अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ अचीव कर चुके हैं, तो वो इस रीडिंग को बहुत इजीली जो है वो रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं तो वो रिकॉल कर सकते हैं, और कुछ लोग जो अभी अभी करियर में हैं तो उनकी फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर में उनके लिए क्या इंडिकेशंस आ रही हैं। मैं दोबारा से रीडिंग का टाइटल आपके सामने पेश करती हूँ। रीडिंग का टाइटल है कि आपकी लाइफ के हाई और लो मोमेंट्स कौन से थे या कौन से हैं। तो कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा, मल्टीपल डेक्स यूज़ करेंगे। जैसे जैसे रीडिंग प्रोसीड करेगी हम अकॉर्डिंगली जो है वो देखेंगे। मैं कोई ख़ास डेक जो है, ट्रेडिशनल टैरो डेक तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बिकॉज ये ट्रेडिशनल ओरिजिनल टैरो डेक्स हैं। तो उसके अलावा आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। अगर किसी के बारे में कुछ एक्स वाई जी कुछ भी सोच रहे हैं, तो कोशिश करें इस वक्त बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर कर लें, एनर्जी को रिलीज़ कर दें। किसी टॉक्सिसिटी में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर इस रीडिंग को देखें। और मैं खुद भी बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर रही हूँ, बिकॉज़ अभी मैं बहुत डीप कन्वर्सेशन में थी, और मुझे वहाँ पर बहुत किसी एक पर्सन को मोटिवेट करना पड़ा, बहुत समझाना पड़ा, और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं उस एनर्जी को क्लेंस कर दूँ, क्योंकि वो कार्ड ही नहीं शफल हो रहे हैं। ऑलराइट, सॉरी। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो सबसे प्यारी बात कि मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं रोज़ाना आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड अस, मेरे व्यूवर की लाइफ के, या फिर ऐसा करती हूँ आपकी लाइफ के दो वो निकालती हूँ। ठीक है, ये मुझे इमीडिएटली है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने कोई प्लान रीडिंग नहीं की। मैं आपकी लाइफ के लो मोमेंट्स निकालती हूँ और हाई मोमेंट्स निकालती हूँ, और फिर लाइफ के आपके हाई और लो मोमेंट्स को निकाल कर उनके रीजंस, उनके फैक्टर्स और उनके लिए मैसेजेस लेती हूँ। ये अभी मुझे इमीडिएटली आया है। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। बॉटम के 3 या 4 कार्ड्स मैं आपके लो मोमेंट्स के लिए लेती हूँ, और टॉप के और बॉटम के 4 कार्ड्स मैं आपकी हायर एनर्जी के, आपके क्या सबसे हायर मोमेंट्स क्या थे आपकी लाइफ के। सबसे पहले लोअर मोमेंट्स देखते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये नज़र आ रहा हो। ठीक है, स्प्रेड को मैं क्लोज कर लूँगी। ओके, जजमेंट, द एम्प्रेस, एंग्जाइटी, द हैंग। ओके, अगर मैं इस वक्त आपकी लाइफ के लोअर मोमेंट्स की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में डिसीजन आपने अपनी लाइफ का जैसे ही लिया, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा फैसला हुआ जो उस वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन टाइम चल रहा था, यानी कि आप उस वक्त अपनी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट पर थे, जब उसको कहते नहीं था, दीवार से लगा देने वाली बात थी। आप लिटरली मुझे लोगों के सामने बैग करते हुए नज़र आए, अपने लिए इंसाफ मांगते हुए नज़र आए, लेकिन आपको दुनिया ने इंसाफ नहीं दिया। एक यकीन आपके ऊपर, अपने ऊपर, और आपकी एक अवेकनिंग आपके ऊपर एक मोमेंट पर ज़रूर है, जब आपको ये पता चला कि आपके पास कोई भी नहीं है,
यानी आप सबको खो चुके थे, सबको खो चुके थे, लेकिन ऊपर वाला कुछ बिहाइंड द सीन आपके साथ कर रहा था। आपकी इस लाइफ के सबसे लोएस्ट मोमेंट में ही आपके साथ ऊपर वाला जुड़ चुका था, लेकिन आपको ये बात नहीं पता चली थी। हो सकता है आपने कोई ख्वाब देखा हो और आपको कोई आगाही हुई हो, कोई इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग हुई हो, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ हो जिसने आपको ये दिलासा ज़रूर दिया हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने कोई उम्मीद नहीं लगाई, कोई उम्मीद किसी से नहीं लगाई, और आपने कहा कि ठीक है। आपने अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट मोमेंट में आपने ऐसा किया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद अब मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। ये आपकी लाइफ का लोएस्ट मोमेंट था जब आपके साथ डिवाइन कुछ ना कुछ कर रही थी, लेकिन आपको ये बात पता नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट मोमेंट पर बड़े लोगों के साथ क्रिटिसाइज़ हुए हैं। लोगों ने आपको, आपके वजूद से बड़ी इनसिक्योरिटी फेस की है और आप ये बात समझ नहीं सके। लोगों ने आपको बड़ा सप्रेस्ड किया आपकी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट में, जबकि आपको बाकी की दुनिया जो थी वो इतनी हाईलाइट्स में देखती थी, लेकिन आपका एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया था कि अब ये जो कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में, ये मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। लेकिन आपको लोग एक ही दफ़ा में देखकर बड़े इम्प्रेस हो जाते थे, यानी आप बहुत खूबसूरत थे और ख़ूबसूरत हैं। यानी इस वक्त मैं आपकी लाइफ का अगर लोएस्ट मोमेंट देख रही हूँ ना, तो लोएस्ट मोमेंट में जो सबसे बड़ी बात, आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को ट्रिगर करते हैं। एक तो वो एक आपकी फ़िज़िकल अपीरियंस है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, और प्लस आपकी ब्यूटी है, आपकी खूबसूरती है, जो कि सिर्फ इनर नहीं है, आउटर भी है। लेकिन आपको अपनी ये बात नहीं पता, या ये बात आपको उस वक्त नहीं पता थी कि आप एक्चुअली कितने इम्प्रेसिव हैं। फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया कि जब आप बड़ी परेशानी से गुजरे, यानी शायद कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हुए, लोगों को एंजाइटी ऐसी हुई, और एक मोमेंट पर आकर आपने ये तक सोचा कि फ़ायदा क्या ऐसी खूबसूरती का, ऐसी चीज़ों का। यानी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सेल्फ़ एस्टीम जो है ना, आपकी बिल्कुल लो हो गई थी, क्योंकि आप उन लोगों की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे जो आपको क्रिटिसाइज़ करते थे। आप शायद एक बड़े ऑनेस्ट पर्सन है, इसलिए आप लोगों के क्रिटिसिज्म को बेयर कर लेते थे, और आपने बड़ी स्लीपलेस नाइट्स गुजार दी हैं। यानी आप लोगों की बातों को सोच के रात को रोए तक हैं, ये तक मुझे नज़र आ रहा है। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, बट आप किसी के लिए भी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आए। ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लोवेस्ट मोमेंट पर हुई, जब आपने बहुत सारे अपनों को खोया, आपकी खूबसूरती को बदसूरती का नाम दिया गया, आपकी इनर ब्यूटी को सेल्फिशनेस का नाम दिया गया, आपकी नर्चरिंग पर्सनालिटी को बटरिंग का नाम दिया गया। यानी ये वर्ड्स मुझे पॉपअप हो रहे हैं। आपकी अच्छाई को लोगों ने बड़े नेगेटिव लेबल्स दिए, और आप ऐसे थे नहीं, इसलिए ये सब चीज़ें आपने ऐसे फेस की जो कि आप रातों को छुप छुप के रोते थे कि मैं कैसे लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता या बुरा नहीं सोचती, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, मेरी इंटेंशंस लोगों के लिए अच्छी हैं। लेकिन आप कुछ लोगों को बोल नहीं पाते थे, आपने इन तमाम नेगेटिव लोगों के आगे सरेंडर कर दिया था। फिर आपने सब कुछ जानने के बावजूद किसी ने भी आकर आपको जो है वो शेक नहीं किया, किसी ने भी आकर आपको संभाला नहीं, गैदर नहीं किया। आप खुद ही इस पूरे प्रोसेस में अपनी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट पे एक स्टक पोजीशन पर आ गए, और आपने अपनी तमाम चीज़ें रोक दी। ठीक है, ये आपकी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट्स थे। लेट्स सी आपकी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट्स क्या थे। राइट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैन यू सी द कार्ड्स। जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आई थिंक मैंने आपसे अभी कहा था मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड्स ऐसे आएंगे। जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आई थिंक वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इन कार्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जब बिल्कुल तन तन्हा थे तो आपके लिए डिवाइन काम कर रही थी। कैन यू सी दिस, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, ये लोएस्ट हैं, ये हाईएस्ट हैं। अब आप ज़रा डिफरेंस देखें।
मैंने आपसे कहा था जजमेंट डिवाइन आपके लिए पीछे से बिहाइंड द सीन काम कर रही थी। अब आप देखें, आप एम्प्रेस से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बदले, आपकी खूबसूरती एक डिसीजन मेकिंग में आ गई, आपकी ब्यूटी अट्रैक्शन में आ गई, आपका हैंगमैन हो जाना आपके डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट हो गया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो इतने कट थ्रॉट और इतने स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, आपके अंदर हिम्मत आ गई है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग हीलर लग रहे हैं, किसी का थेरेपी से रिलेटेड कोई काम होगा, किसी का नर्सिंग से, किसी का मेडिकल फील्ड से, या कोई काम ऐसा आप ज़रूर करते होंगे कि जिसको कहते हैं कि ज़ख्मों पर फाये रख देना। आप एट अ टाइम, आपको ये पता है कि जब आपके पास मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आए तो आपको कैसे नर्चरिंग करना है, कैसे संभालना है, और आपके पास टफ से टफ सिचुएशन आए तो आपने डिसीजन कैसे लेना है। बड़ा बैलेंस आपने मेंटेन किया है, एंड विद दिस जस्टिस कार्ड इट इज़ अ प्रूफ। आपके अंदर बहुत हिम्मत आई है, और आपकी लाइफ का हाईएस्ट मोमेंट यही था कि जब डिवाइन आपके लिए पीछे से काम कर रही थी, तो शायद वो यही डिवाइन वर्किंग थी कि आप फ्यूचर में जाकर या आप प्रेजेंटली इस तरीके से सिचुएशन और हालात और अपनी लाइफ को डील करेंगे। एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोगों ने अपने लोएस्ट मोमेंट को कैसे हाईएस्ट मोमेंट में चेंज किया, और ये सब कुछ आपको आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मिला है। चीज़ें पलट पलट के आपके सामने आई हैं, लोग पलट पलट के आपके सामने आए हैं, जिन्होंने आपको सप्रेस किया आज वही आपको प्रेस करते हैं, जिन्होंने आपकी ब्यूटी को लेबल किया, बॉडी शेम किया, आज वही कहते हैं कि व्हाट अ पर्सन यू आर, जिन्होंने आपके फ़ीचर्स को टारगेट किया आज वही कहते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर यू हैव। एंड आई थिंक यहाँ पर अब आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए ये बातें मैटर ही नहीं करती, आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपने अपने सारे ज़ख्मों को जमा करके दूसरों के ज़ख्म भरने वाला काम अपना लिया है। एंड विद दिस जस्टिस कार्ड अब आप एक ऐसे पर्सन हो गए विद दिस किंग ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस कार्ड कि अब जो आता होगा आप ऐसे फेयरली डील करते होंगे, और मुझे विद दिस जस्टिस कार्ड ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन एक ऐसी जगह पर है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको रोज़मर्रा के बेसिस पर लोगों की लाइफ के फ़ैसले करने पड़ते हैं, तो अब आपकी लाइफ का हाईएस्ट मोमेंट आप इस वक्त जी रहे हैं, लेकिन आपको इस वक्त तो अपनी लाइफ का हाईएस्ट मोमेंट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को पता ही नहीं है, और लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो ऐसे, हमारे साथ तो ये हुआ। आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के बारे में सोचते होंगे, बिकॉज इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स में सारे मोस्टली मेजर आर्कानाज हैं, लेकिन इन सारे पॉजिटिव कार्ड में जो मेरी बार बार मुझको एक कार्ड पुल कर रहा है वो ये, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। आप अपने लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट से जिस दिन बाहर आ जाएंगे, आप इन एनर्जीज़ को जीना और फील करना शुरू कर देंगे। आप हालात की बेसिस पर तो इन एनर्जीज़ को फेस करते हैं और अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आप इसके अंदर रह नहीं रहे हैं। कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया अपना मसला लेकर, आपने सुनते सुनते में उसका डिसीजन समझ लिया कि क्या करना है। आप इस एबिलिटी को ये नहीं समझ पा रहे, या शायद कुछ लोग समझते भी होंगे, कि आपके अंदर फ़िल्टर करने की एबिलिटी आ गई है। यानी अभी बंदे ने बात ही नहीं शुरू किया, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से असेस कर लेते होंगे कि ये क्या कहने वाला है विद दिस जस्टिस कार्ड। तो आप अपनी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट ही आपके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट रहे, क्योंकि उन्होंने आपको आपकी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट की तरफ आपको धक्का दिया है। ठीक है जनाब, अब मैं देखती हूँ कि क्या वो रीज़न्स थी जिसमें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये लोवेस्ट मोमेंट्स आए। प्लीज़ गिव अस रीजन्स। थंडरबोल्ट, किसी ने आपको अपना कर ऐसा पटखा, ऐसा फेंका, अपना बनाकर ऐसा तोड़ा कि आपकी अर्श से लेकर फर्श तक आप हिल गए। यानी बिल्कुल आपका दिमाग, आपका दिल, जिस्म में आपके, जैसे कहना चाहिए ना, ये आपकी लाइफ का लोएस्ट मोमेंट इस वजह से आया। एंड आई टोल्ड यू कि आपको किसी एक ने नहीं, आपके साथ एक पूरा क्राउड होता था जो आपको परेशान करता था, और आपने बड़ी तबीयत से, जैसे कहना चाहिए ना, लोगों का अजाब झेला है, लोगों का दिया हुआ अजाब झेला है। एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे ने, वही वाली सारी बातें जो मैं पहले कह चुकी हूँ, ये वो रीजंस थी आपकी लाइफ में। एक्सपीरियंस ही आपके ऐसे हो रहे थे जो आपको वक्त से पहले मेच्योर, या जिसे कहना चाहिए वक्त से पहले बूढ़ा बना रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा नहीं, वो आपको वाइज बना रहे थे। आप में इंटेलिजेंस थी,
लेकिन वो विजडम में अब बदली है, इसका शायद आपको उस वक्त आइडिया नहीं था। मैंने जैसे पहले कहा ना, आपने लोगों की वो तमाम बातें एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, ये वो रीजंस थी जो आपकी लाइफ में लोएस्ट मोमेंट ला रही थी। लेकिन आप एक प्योर सोल की तरह सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ऊपर वाले ने कहा कि ये बंदा तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए ना लल्लू है, तो मैं इसके लिए काम करता हूँ, फिर वक्त बताएगा। तो ये आपकी लाइफ का जो हाईएस्ट मोमेंट है वो यूं बदला। यस, ये एक आप शिफ्ट देखें, ये शिफ्ट आया है आपकी लाइफ का, कि आपकी लोवेस्ट एनर्जी से आप जो आपके आप लोएस्ट टाइम में जो हाई टाइम आपने फेस किया वो ये सक्सेस थी, और ये सक्सेस आपने बड़े एक्सपीरियंस के साथ एक्सेप्ट करी। आपने ये नहीं समझा कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये आपको मिल गई या आपके पास आ गई। एक मोमेंट आया कि जब ऐसे लोगों का साथ आपने पकड़ा या लोगों ने आपका हाथ पकड़ा जो शायद आपकी पोटेंशियल से वाकिफ़ हो गए थे, और आप अपनी लाइफ के बड़े लोएस्ट पॉइंट पर थे उस वक्त, लेकिन लोगों ने आपकी एबिलिटी को जाना और वो आपकी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट की तरफ आपको लेकर गया। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो हाईएस्ट मोमेंट्स आए उनकी क्या रीजंस थी या हैं। गाइडेंस, आप लोगों को गाइड करते हैं, लोग आपके पास मशवरा लेने आते हैं। माइंड, मैंने अभी कहा था आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनका माइंड पढ़ लेते हैं। लोग बहुत कुछ लपेट लपाट कर बहुत सारी बातों के साथ आप तक अप्रोच करते होंगे, लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप बिहाइंड द सीन चेक कर लेते हैं, वो क्या कहने वाले होते हैं आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से असेस कर लेते हैं। लेकिन एक बात, अभी भी जो मैंने एनजाइटी वाली बात की थी, मैं अब भी आपको कहूँ, अपनी अपनी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट की जो हम रीज़न ढूंढ रहे हैं ना, आपने अपनी लाइफ का हाईएस्ट मोमेंट इस तरह से भी जिया है कि आपने अपने ज़ख्मों को और अपनी परेशानियों को छुपाया और आप फिर भी लोगों की मदद करते रहे, इस चीज़ ने आपको आपकी लाइफ में बड़ी सक्सेस दी है। आप ये देखें इस पर्सन को कितना वाउंडेड और कितना सफोकेटेड और बंद है, इसके जहन पर, इसके पूरे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई और चेहरे पर हर चीज़ लगी हुई, कीले लगी हुई, सब कुछ। आपने अपने ज़ख्म छुपाए और लोगों को नहीं बताया कि मैं खुद कितना तकलीफ़ में हूँ, इस चीज़ ने आपको आपकी लाइफ में बहुत हाई मोमेंट्स दिए हैं। लेट्स सी मोर। लवर्स, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला, आपको आपका सोलमेट मिला जिसने आपकी वैल्यू को जाना। शायद अभी भी आप अपने सोलमेट के साथ हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, कोई एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आया जिसने आपको ये बिलीफ दिया कि हाउ ब्यूटिफुल और हाउ गुड यू आर, हाउ हैंडसम यू आर, जिसने आपकी अपीरियंस पे भी आपको अप्रिशिएट किया, नो मैटर व्हाट हाइट और वेट और बॉडी यू कैरी। बट एक पर्सन ने आपको ये एहसास दिलाया कि तुम्हारा ज़िंदा वजूद मेरे लिए कितना अहम है, तुम मेरे लिए कितने अहम हो। और जब आपका बिलीफ सिस्टम अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर ये हो गया था कि आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी खूबसूरती को बदसूरती की नज़र से देखते थे क्योंकि वो नज़र किसी और की थी, लेकिन एक इस पर्सन ने आपको आपके लवर ने आपको आकर बताया है कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आपकी शादी किसी ऐसे बंदे से हुई है या आपको जिससे मोहब्बत हुई वो बंदा ऐसा था जिसने आपको अपनी मोहब्बत के ज़रिए ये बात बताई कि तुम कितने खूबसूरत हो, कि अंदर बाहर दोनों तरफ से तुम कितने खूबसूरत हो। बिकॉज दिस लवर्स कार्ड इज़ अमेजिंग कार्ड हियर। ठीक है, थोड़ा और डीपली चेक करते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर रीडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड हो जाए, बिकॉज ये खुद ही एक्सटेंशन डिमांड कर रही है। कंसर्न, आपकी लाइफ में कुछ लोग या तो ऐसे रहे जो आपसे कंसर्न होते थे या आपके लिए फ़िक्र करते थे, और या तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप अपनी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट में थे तो जो लोग आपकी लाइफ को लेकर कंसर्न होते थे वो आपको बताते भी नहीं थे। तो जो गाइडेंस वाली बात आई है ना, आपने अपने हाईएस्ट मोमेंट पर ये सीखा कि आपको शायद किसी ने नहीं समझाया या किसी ने आपके लिए कंसर्न शो नहीं किया, इसीलिए आप ऐसी शिफ्ट में आए और आप गाइड बन गए। जबकि यहाँ पर आपको शायद ऐसा भी लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी से किसी को कोई परवाह नहीं है, ये आपकी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट की एक और रीज़न थी या है। चाइल्ड, आपने अपने बचपन से बहुत बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। मैंने कहा ना कि एक प्योर सोल थे आप, एक प्योर सोल होते हुए बचपन से ही आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ का सबसे लोवेस्ट मोमेंट ये भी था कि आप अपने बच्चे के लिए परेशान थे,
आपको शायद ये भी फिक्र हुई हो एक लोवेस्ट मोमेंट पे कि आप अपने बच्चे के लिए करें तो क्या करें। नंबर 18 है, आप इसको देखिएगा। नंबर 18 किसी की डेट ऑफ बर्थ है या कोई भी किसी भी चीज़ से किसी तरीके से एसोसिएट करता है। 1 + 8 = 9 बनता है। 9th मंथ या 9th डेट कोई नंबर कोई ऐसी सिग्निफिकेंस हो सकती है। आपको कंसर्न रहा है या आपकी लाइफ का एक लोवेस्ट मोमेंट भी हो सकता है कि आप कंसर्न रहते थे, या तो आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने के लिए एक कंसर्न पर्सन ढूंढते थे कि कोई तो हो जो मेरा पुरसाने हाल हो, कोई तो मेरी तकलीफ़ को समझे कि मेरे बचपन में मेरे साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ आपको नहीं मिला। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों की वजह से जो अपनी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट को फेस किया है। अब आपकी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट्स की रीजंस और थोड़ा डीप में देखते हैं कि क्या रही। टॉयल एंड लेबर, मेहनत आपने बेइंतहा की, जैसे मैंने कहा कि फिर एक ग्रुप आपको ऐसा मिला जिसने आपकी एबिलिटी को जाना। मेहनत आपने इतनी की, आपने कहा मैं लोगों को अपनी मेहनत से शायद बताऊंगा। आप किसी को शायद प्रूफ करने की जर्नी में भी नहीं थे, आप लग गए मेहनत पर और आज शायद अब अपनी उस मेहनत का जो है वो पे बैक हो रहा है आपको। और आप अभी भी तकब्बुर में, मुझे प्राइड में तो आप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। हाई ऑनर, वेरी नाइस, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग आपको बहुत हाई लाइट्स में देखते हैं। विद दिस किंग ऑफ सोर्ट्स तो ये कार्ड्स आना मतलब कन्फर्म थे कि ये कार्ड्स आएंगे। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों को ये भी लगता होगा कि शायद वो आपके लिए कुछ ऐसा कर दें कि शायद आपके एहसान का हक अदा हो जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते होंगे बिकॉज शायद कुछ लोगों को, मैं कहती हूँ ना, ऊपर वाले ने मुंतखब किया होता है, तो आपकी शायद वो वाली कैटेगरी है। अब मैं यहाँ से कार्ड निकालती हूँ। आपकी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट की और डेप्थ क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। मैंने अब तक जितनी भी टैरो रीडिंग सीखी है और टैरो रीडिंग देखी है या जितना मैं एक्सप्लोर करती हूँ, एनर्जीज तो सब बताते हैं लेकिन इन डेप्थ कभी कोई ये नहीं बताता कि लाइफ की स्ट्रगल कैसी किसी की रही। तो ये मैं अभी जिनके साथ एक सेशन कर रही थी, मुझे खुद वहाँ पर एक ये हीलिंग अटैम्प्ट, आप कह लीजिए ना, मुझे रीडिंग जो है वो जब तक मैं नहीं करती जब तक मुझे कोई प्रॉपर टाइटल नहीं आता, तो ये मुझे ऑन स्पॉट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक रीडिंग, इट विल हेल्प मी अलॉट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। शैडो साइड, इमोशनल लॉस, मैंने अभी ही ये बात कही थी कि किसी ने आपको ऊपर से नीचे तक, जिसे कहना जाना ये, झंझोड़ दिया, आपको छोड़ के चला गया, आपको तोड़ दिया। लाइफ में आपने डेथ देखी, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के जब लोएस्ट मोमेंट थे ना, तो कोई आपको रहनुमा कोई सहारा देने वाला नहीं मिला। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग मिले जो शायद खुद अपनी ही शेडो साइड से डील कर रहे थे, वो खुद ही इतने टॉक्सिक थे, वो खुद ही इतने डिफ़िकल्ट थे। और दूसरी बात ये कि डिप्रेशन की कन्फर्मेशन भी यहाँ पर आई है, आपने बड़ा डिप्रेशन फेस किया है, लेकिन बस ऊपर वाले की आपके ऊपर अता हुई कि आप बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए ना, नर्वस ब्रेकडाउन में नहीं चले गए, वरना लोगों ने आपके साथ आपके लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट में आपको बहुत बहुत हार्ड टाइम दिया है। आई मस्ट सल्यूट यू पीपल जिनकी मैं इस वक्त एनर्जी में ट्यून इन हूँ। अब आपकी लाइफ की हाईएस्ट मोमेंट्स की डिटेल देखते हैं। ट्रायंफ, वेरी ब्यूटिफुल, थर्ड आई चाक्रा, इंट्यूशंस की मैंने बात की। आपका अब, जैसे मैंने पहले कहा था ना, विद दिस कार्ड, ये वाला कार्ड, आप लोगों के बैठते ही जो है ना, लोग आपके सामने आते हैं, गुजरते हैं और आप समझ जाते हैं कि इसकी नीयत क्या है, ये क्या करने वाला है, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े एक्टिव हैं। एंड विद दिस ट्रायंफ कार्ड, अब आप किसी भी काम, नाउ यू नो, एक बात कही जाती है, व्हेन यू आर इन अ टफ सिचुएशन और व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, डू नॉट से व्हाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। तो ये बात मैं दोबारा कह रही हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, और मैं अपने जितने भी कलीग्स हैं या मेरे जितने भी क्लोज्ड वंस हैं, मैं उनको हमेशा मोटिवेट करने के लिए बात कहती हूँ कि जब कभी किसी प्रॉब्लम में फंसो, नेवर से, व्हेनेवर यू आर इन फेसिंग अ टफ और स्ट्रगलिंग टाइम, डोंट से व्हाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। एंड विद दिस ट्रम्प कार्ड, अब आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, अब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कहते हैं आओ, तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें हैंडल करके बताता हूँ। तो आप अपनी लाइफ के जो इस वक्त हाईएस्ट मोमेंट पर हैं, या जो आपने अपनी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट को फेस किया है, उस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में थे या इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। लेट्स सी वन मोर फॉर योर लोवेस्ट मोमेंट एंड देन वन मोर फॉर योर हाईएस्ट मोमेंट एंड देन वील टेक एंजल एडवाइस फॉर यू। ऑलराइट, काश रीडिंग के दौरान
व्यूअर्स से बात की जा सकती होती तो फिर मैं आप लोगों से पूछती कि आप लोग कुछ और पूछना चाह रहे हैं। मैं बहुत जल्द, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं लाइव आऊँ, तो लाइव आना जो है वो अभी मैं सीख रही हूँ लाइव आना, अदरवाइज़ बट प्रे फॉर मी, मुझे दुआओं में याद रखें क्योंकि मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। परफेक्शन, आपकी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट में लोगों को ये पता था कि आप इतने सारे लोगों के पत्थर रोड़े तोहमात इल्ज़ामात बॉडी शेमिंग सब चीज़ें जो बर्दाश्त कर रहे हैं और कर रहे हैं ना, आपने दरअसल हुआ ये कि आपकी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट में जितना लोगों ने आपको सप्रेस करने के लिए आपके ऊपर जो कुछ भी थ्रो किया ना, आपने उनकी तमाम बातों को, जैसे मैंने पहले कहा था, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका बन गया था कि ये जो कुछ भी कहते सही कहते हैं, आप परफेक्शन की तरफ चले गए, आप अपने आप को अच्छा बनाने की तरफ चले गए, और यही शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट पे हाईएस्ट मोमेंट की तरफ चला गया। आपकी लाइफ के हाईएस्ट मोमेंट पर देखते हैं, बिटर स्वीट बैलेंस आ गया आपकी लाइफ में। कोई एक आपकी लाइफ में पर्सन या रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर है कि आप जो हैं वो उनसे चीज़ें आपके पास होती रहती हैं। अब आप, जैसे मैंने कहा था कि अब आप चैलेंजेस को कहते हैं आओ, तो अब आपकी लाइफ में टफ़ से टफ़ भी कोई मामलात आते हैं तो आप उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं, बिकॉज़ आप टफेस्ट सिचुएशन को ईजी बनाने में और ईजी को कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये दो बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग के लिए। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए एडवाइस निकालूँ तो किस डेक से निकालूँ। चलें मैं ऐसा करती हूँ कि अर्थ अर्थ मैजिक यूज़ करती हूँ, मैजिक ही हुआ है इस रीडिंग में तो मुझे लग रहा है। ठीक है जनाब, लेट्स सी, अगर ये आपकी लाइफ के लोएस्ट और हाई मोमेंट रहे तो आपके लिए क्या एडवाइस है। न्यू मून प्रॉमिस, सी यहाँ पर एक कपल है, एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड एवरी न्यू बिगिनिंग हैज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डोर, यू नो, एक पूरी लाइफ होती है। किसी ने आपकी लाइफ में आकर आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, जैसे कहते हैं ना, एक मेहरबान आके मेरी ज़िंदगी बना दी। ऊपर वाले ने या तो किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजा, या कोई ऐसा गाइड आपकी लाइफ में आया आपके हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में, लव की फॉर्म में, पार्टनर की फॉर्म में, कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर आया है जिसकी वजह से आपके अंदर हमेशा हमेशा एक चीज़ को एंड तक पहुंचाने की एबिलिटी आ गई है, और इस एनर्जी में आप प्लीज़ हमेशा रहिएगा। देर इज़ समवन इन योर लाइफ जिसकी एनर्जी में आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यहाँ तो ग्रीन मैन लिखा हुआ है, तो ये देखिएगा कि या तो आप आजकल ख़ुद बहुत ज़्यादा ग्रीनरी में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ लेडी जो कि जिसने अपने आप को फंसा लिया है। अच्छा, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ प्लांटेशन दीज डेज, तो मुझे ऐसा बाज़ दफ़ा ये भी फील होता है कि ये भी कार्ड आ रहा है, तो बट इवन देन मैं हमेशा अपनी एनर्जी को जो है वो अपने आप से दूर रखती हूँ जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। तो दिस इज़ समथिंग लाइक यू नीड टू, यू नो, दुनिया में लोग क्या देते हैं, कुछ नहीं देता, जो पे बैक करती है वो यूनिवर्स देती है और आपको मदर अर्थ देती है, तो आप उस पर इन्वेस्ट करें। आप देखें, आपको, या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप इस तरीके से फल फूल रहे हैं, दिस ग्रीन मैन, यू नो, सिनर्जी, आपने अपने आप को एसोसिएट कर लिया है, और अब आपने जितने भी पत्थर रोड़े देखे थे उनको आपने एक ऐसा सीड की तरह पकड़ा कि अब आप एक इस पोजिशन में हैं। सो बी देयर, राइट? सो दिस वॉज योर वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पावर पैक रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजिनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रीडिंग अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।